हेलो दोस्तों, भानीराम डाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो आज का अपना टॉपिक है वो है पोमग्रेनेट, अनार। अनार की फसल का जिक्र करते हैं, जो पोमग्रेनेट कल्टीवेशन है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन की, वानस्पतिक वर्गीकरण की, बोटनिकल क्लासिफिकेशन की। बोटनिकल नेम वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम बोला जाता है। बोटनिकल हमेशा लैटिन भाषा में लिखा जाता है और इटालिक फॉर्मेट में लिखा जाता है। इटालिक बोले तो तिरछा लिखा जाता है। जब आप हैंड राइटिंग में लिखोगे तो आप हमेशा इसको अंडरलाइन करोगे। तो इसका बोटनिकल नेम है प्यूनिका ग्रेनेटम। बोटनिकल नेम में पहले वंश और फिर जाति लिखा जाता है, तो इसमें वंश है प्यूनिका और जाति है ग्रेनेटम। कुल है पुनिकेसी। गुणसूत्र संख्या है 2n, यानी द्विगुणित बराबर 18। अगर आपसे पूछ ले अगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी है या बेसिक क्रोमोजोम पूछ ले तो कितने होंगे, इससे आधे हो जाएंगे, 9। उत्पत्ति स्थल है अफगानिस्तान या ईरान। फल का प्रकार है बलुस्टा। पुष्प क्रम का जो प्रकार है वो हाइपोथेनेडियम। अंजीर में भी पुष्प क्रम का प्रकार हाइपोथेनेडियम होता है और अनार में भी हाइपोथेनेडियम होता है। खाने योग्य भाग है जूसी सीड कोट, जो बीज होता है उसके ऊपर रस और उसके ऊपर आवरण भरा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रस युक्त बीज आवरण या जूसी सीड कोट बोला जाता है। भारत में सर्वाधिक अनार का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है और राजस्थान में सर्वाधिक अनार का उत्पादन बाड़मेर में होता है। कुछ समय पहले तक जोधपुर उत्पादन में अग्रणी जिला था, लेकिन अभी जो करंट डेटा है उसके हिसाब से बाड़मेर है। और राजस्थान में सर्वाधिक बीज रहित अनार का उत्पादन जालौर जिले में होता है। अनार का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सोलापुर महाराष्ट्र में है। राजस्थान में अनार का गुणवत्ता जांच केंद्र या उत्कृष्टता जो केंद्र है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसको बोलते हैं, उत्कृष्टता केंद्र बोलते हैं, वो डिंडौन जयपुर के अंदर स्थित है। पीछे जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया था अनार का उत्कृष्टता केंद्र या फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर है, डिंडोन जयपुर के अंदर है। जलवायु की बात की जाए तो अनार उपोष्ण जलवायु का है, यानी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है। अनार गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी सहन कर सकता है और सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी सहन कर सकता है, यानी थोड़ा कठोर पौधा है, हार्डी नेचर का प्लांट है। वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान है वो है 38 डिग्री सेल्सियस। मृदा सोयल की बात करें तो अच्छे जल निकास वाली गहरी दोमट मृदा इसके लिए सबसे बढ़िया रहती है। उपयुक्त पीएच मान चाहिए इसको 6.5 से 9.0, यानी यह लवणीय या वसारीय मृदाओं के प्रति क्या होता है, सहनशील होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनार की किस्मों की, वैरायटी ऑफ पोमग्रेनेट। सबसे पहले है भगवा, यह महाराष्ट्र की व्यावसायिक किस्म है, राजस्थान में बाड़मेर में लगाई जाती है। नेक्स्ट है गणेश, यह महाराष्ट्र की व्यावसायिक किस्म है। व्यावसायिक किस्म का मतलब होता है जो ज्यादा क्षेत्र में लगाई जाती है उसको व्यावसायिक किस्म कहा जाता है। नेक्स्ट है आलंदी, यह भी महाराष्ट्र की व्यावसायिक किस्म है। ढोलका गुजरात की व्यावसायिक किस्म है। जोधपुरी रेड, यह कम पानी में अधिक उपज देने वाली किस्म है। इसके जो फल होते हैं वो बड़े आकार के और इसमें फल फटने की समस्या बहुत अधिक होती है। जालौर सीडलेस, यह सारी भूमि में लगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। सारी भूमि कौन सी होती है जिसका पीएच मान 8.5 से ज्यादा होता है, उसको सारी मृदा कहते हैं। नेक्स्ट है मरदुला। मरदुला का जो क्रॉस है वो गणेश इंटू गुलसा रेड है। यह सबसे कोमल व गहरे लाल दाने वाली किस्म है। इसका क्रॉस है गणेश इंटू गुलसा रेड। नेक्स्ट है अस्कत्ता, ये भी कोमल दाने वाली किस्म है। नेक्स्ट है रूबी। रूबी जो वेराइटी है ये IIHR हसरघट्टा बेंगलोर से विकसित की गई है। IIHR की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ये है हसरघट्टा बेंगलोर के अंदर, बेंगलोर बोले तो कर्नाटका के अंदर। ये जो वैरायटी है ये थ्री वे क्रॉस से तैयार की गई है। थ्री वे क्रॉस का मतलब होता है जिसमें तीन जनक इन्वॉल्व होते हैं। देखो इसके तीन जनक है, गणेश, काबुल और यारकंद। गणेश और काबुल का जब क्रॉस करवाते हैं तो उससे जो F1 मिलती है, यानी उनकी जो संतति होती है उसका क्रॉस करवा देते हैं यारकंद से, तो इस तरह से रूबी विकसित हुई है। यानी इसमें तीन जनक इन्वॉल्व हुए, गणेश इंटू काबुल, इसके संकरण से जो संतति आई उसका क्रॉस हुआ यारकंद, यारकंद के क्रॉस होने से रूबी वेराइटी विकसित की गई। नेक्स्ट वैरायटी है पेपर सेल्ड। इसका छिलका सबसे पतला होता है इसलिए इसको पेपर सेल्ड बोला जाता है, यानी पेपर की तरह पतला छिलका है इसलिए पेपर सेल्ड बोल दिया जाता है। ज्योति, इसका जो क्रॉस है ये बेसिन सीडलेस और ढोलका के संकरण से तैयार की गई है। ये भी IIHR हसरघट्टा बेंगलोर से तैयार की गई है। अमलीदाना, अमलीदाना का क्रॉस है गणेश इंटू नन्ना। नन्ना वेरायटी तो अनार की है लेकिन पुस्सा नन्ना है वो पपीता की सबसे बोनी किस्म है। ये भी जो IIHR है हसरघट्टा बेंगलोर से तैयार की गई है। नेक्स्ट दारू, दारू एक जंगली अनार है, खाने में कड़वा खट्टा होता है ये। नेक्स्ट है G137। G137 गणेश का एक क्लोन है। क्लोन क्या होता है, किसी पौधे के वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा
ऐसे पौधों का समूह तैयार करना जो उस जनक पौधे के अनुवांशिक रूप से, कार्यकी रूप से और आकारिकी रूप से समान हो। अनुवांशिकी का मतलब है जीन प्रारूप समान हो, आकारिकी का मतलब लगभग आकार समान हो, और कार्यकी का मतलब उत्पादन में क्या हो, समान हो। यानी एक पौधा है, इसके अपने वानस्पतिक प्रवर्धन यानी जैसे कलम से कुछ पौधों का समूह तैयार कर लिया, फिर उनके वानस्पतिक प्रवर्धन से एक पौधों का समूह तैयार कर लिया, ऐसे ऐसे ये बड़ा समूह होता जाएगा। तो ये पहला पौधा था, इसके वो सब क्या कहलाएंगे, जनक कहलाएंगे। तो गणेश का जो ऑर्चार्ड लगा हुआ था, बाग लगा हुआ था, उसमें कोई गणेश का पौधा सुपीरियर मिला है, उसे अपने आगे पूरी की एक वेरायटी डेवलप कर दी है, वो भी वानस्पतिक प्रवर्धन से, तो वो क्या कहलाता है, क्लोन कहलाता है। नेक्स्ट अन्य किस्में हैं, मस्कती रेड, मधुगिरी, चावला, रुद्रा, नाबा, कारड़ी, सनराइज रूबी, स्पेनिश रूबी, कंट्री लार्ज रेड, T26 और वंडरफुल। देखो यहाँ पर जो अनार की वैरायटी दी हुई है, रेड कलर में दी हुई है, गणेश, मर्दुला, सनराइज रूबी, वंडरफुल, भगवा, अमली दाना, मस्कती रेड, कारड़ी, जोधपुर रेड, जालोर सीडलेस, कंट्री लार्ज रेड, चावला, रूबी, नाबा, मधुगिरी, रुद्रा, ज्योति, स्पेनिश रूबी, दारू, आलंदी, ढोलका, अस्कत्ता, पेपर सल्ट और G137। ये जो अनार की है मोस्ट ऑफ वैरायटी हो गई है, इसमें एक मेंशन नहीं है T26। ये अनार की वैरायटी है, क्वेश्चन जो पूछा जाना है इनसे ही पूछा जाना है, पीछे अपने इनकी डिटेल से बात कर चुके हैं। तो इन सभी किस्मों को, अनार की सभी किस्मों को आप एक ट्रिक से याद करना चाहो तो, ट्रिक से याद करना चाहो तो ये ग्रीन कलर में ट्रिक लिखी हुई है, गणेश मरने से पहले सनराइज होते ही, यानी सूर्योदय होते ही, गणेश मरने से पहले सनराइज होते ही वंडरफुल भगवा कपड़े पहनकर, साधु संत पहनते हैं वो कलर, भगवा कपड़े पहनकर, अमली दाना खाकर, मस्ती से कार से जोधपुर से जालोर जाकर, लार्ज कंट्री के, बड़ी कंट्री के, रुद्रा, ज्योति, रूबी, मधु, चावला व नाबा के साथ स्पेनिश स्पेनिश ब्रांड की दारू पीकर ढोल पर अचानक आनंद से नाचने लगा। अब ये ट्रिक लिख दी, देखो इसमें गणेश से है गणेश, मरने से है मरदुल्ला, सनराइज से सनराइज रूबी, वंडरफुल से वंडरफुल, भगवा से भगवा, अमली दाना से अमली दाना, खाकर मस्ती, मस्ती से मस्कती, कार से कारड़ी, जोधपुर से जोधपुरी रेड, जालोर से जालोरी सीडलेस, लार्ज कंट्री से लार्ज, जो लार्ज कंट्री है उसे है कंट्री लार्ज रेड वैरायटी, रुद्रा से रुद्रा, ज्योति से ज्योति, रूबी से रूबी, मधु से मधुगिरी, चावला से चावला, नाबा से नाबा, स्पेनिश से स्पेनिश रूबी, दारू से दारू किस्म, और ढोल से ढोल का, अचानक से अस्कत्ता, आनंद से आलंदी। और ये वैरायटी सारी इस ट्रिक में कंप्लीट हो जाती है। तो एक बार दोबारा से ट्रिक रिपीट करें, गणेश मरने से पहले सनराइज होते ही वंडरफुल भगवा कपड़े पहनकर, अमली दाना खाकर, मस्ती से कार से जोधपुर से जालौर जाकर, लार्ज कंट्री के, रुद्रा, ज्योति, रूबी, मधु, चावला व नाबा के साथ स्पेनिश दारू पीकर ढोल पर अचानक से आनंद से नाचने लगा। तो ये जो लाइन याद रख लोगे तो इसमें अनार की सारी वैरायटी आ जाती है, सिर्फ दो वैरायटी को या तीन वैरायटी को छोड़ के, जैसे पेपर सेल्ड है, G137 है और T26 है, ये तीन वैरायटी रह जाती है इस ट्रिक में, बाकी सारी वैरायटी, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हालांकि पेपर सेल्ड इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है अनार की कौन सी किस्म का छिलका सबसे पतला होता है, तो पेपर सेल्ड का होता है। नेक्स्ट जो वेरायटी है वो दाने की कठोरता व सॉफ्टनेस पे, कोमलता पे के आधार पर वर्गीकरण किया गया। जैसे कठोर दाने वाली किस्म है आलंदी व कंधारी, कोमल बीज वाली किस्में हैं ज्योति, गणेश, बेसिन सीडलेस, पेपर सेल्ड। प्रवर्धन की बात करें, प्रोपोगेशन की बात करें, तो अनार के अंदर जो कमर्शियली व्यावसायिक प्रवर्धन होता है वह कठोर काष्ठीय कलम हार्डवुड कटिंग से होता है। प्रवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त समय रहता है जुलाई अगस्त। पौधरोपण जो दूरी रखी जाती है वो 5x5 मीटर रखी जाती है, और गड्ढे का आकार रखा जाता है वो 75x75x75 सेंटीमीटर यानी 75 घन सेंटीमीटर रखते हैं, लंबाई चौड़ाई और गहराई। पौधरोपण का समय होता है जून जुलाई। अनार में सिंचाई की बात करें तो गर्मियों में 7 से 10 दिन के अंतराल में करते हैं और सर्दियों में 15 से 20 दिन के अंतराल में करते हैं। तुड़ाई की अवस्था, अनार नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, इसको पकने के बाद ही तोड़ना पड़ेगा। फूल आने के जनरली 5 से 6 महीने बाद फल पककर तैयार हो जाता है। देखो लाल रंग पूरी तरह से विकसित हो जाता है तब अनार विकसित हो जाता है। उसके अलावा अनार को हल्का दबाने पर अगर दाने टूटने जैसी आवाज आती है तो अनार पककर तैयार हो जाता है। जोर से नहीं दबाना है, जोर से दबाने पर दाने टूटेंगे, हल्का दबाने पर दाने टूटने जैसी आवाज आती है तो अनार पककर तैयार हो जाता है। उपज की बात करें तो प्रति वृक्ष बात करें तो 60 से 120 फल लगभग लगते हैं। अगर इनकी वजन में बात करें तो एक जो पौधा है उससे 40 से 60 किलो अनार प्राप्त होता है, और प्रति हेक्टर बात करें तो
20 से 25 टन प्रति हेक्टर अनार उत्पादन होता है। भंडारण, अनार का भंडारण 4.5 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 80 से 85% आर्द्रता पर 4 से 7 सप्ताह तक भंडारित करते हैं, 4 से 7 सप्ताह तक भंडारित कर सकते हैं। उपयुक्त तापमान है 4.5 से 5 डिग्री सेल्सियस। अपेक्षित आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो है 80 से 85%। और जो भंडारण का काल है, कितने समय तक भंडारित कर सकते हैं, वो 4 से 7 सप्ताह तक कर सकते हैं। अनार में टीएसएस की जो मात्रा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 से 16 डिग्री ब्रिक्स होती है। एक्यूरेट पूछ लिया जाए 14, 15, 16 तीनों ऐसे ऑप्शन में आ जाए तो 15 बीच की वैल्यू आएगी। अनार में टीएसएस की मात्रा 14 से 16 डिग्री ब्रिक्स, एक्यूरेट बात करें तो 15 डिग्री ब्रिक्स। अनार की छाल में टेनिन पाया जाता है जो औषधीय गुण रखता है। अनार लेप्रोसी रोग, कुष्ठ रोग होता है उनके लिए बहुत अधिक गुणकारी होता है। और अनार में आयरन की मात्रा भी अच्छी होती है जो आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। अनार के मुख्य कायिकीय विकार, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, वातावरण की प्रतिकूल दशा या पोषक तत्व की कमी से या फिर किसी अनुवांशिक कारण से या कोई मैनेजमेंट की कमी से कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न होती है पौधे में, तो उसको कायिकीय विकार या फिर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। तो सबसे पहले है फ्रूट क्रैकिंग, फलों का फटना, या तो बोरोन की कमी से होता है या फिर अनियमित सिंचाई के कारण होता है। बोरोन की कमी है तो अपने बोरेक्स का छिड़काव करेंगे और सिंचाई नियमित रूप से देंगे तो फल फटने की समस्या नहीं जाएगी। मैंने बाहर उपचार टॉपिक करवा रखा है, उसके अंदर पूरा डिटेल से बताया हुआ है। अनार में 3 बहार आती है, अंबे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। तो मृग बहार के जो फल होते हैं उनमें सर्वाधिक फटने की समस्या पाई जाती है। संवेदनशील किस्में हैं इसके, जिनमें रोग बहुत ज्यादा लग सॉरी ये विकार बहुत ज्यादा लगता है, वो है कंधारी, आलंदी, बेदाना बोस और जोधपुरी रेड। प्रतिरोधी किस्में यानी जिनके अंदर ये समस्या होती नहीं है, वो जालोर, सीडलेस, ज्योति और इसके अलावा रूबी भी है। आंतरिक उत्तक से इंटरनल ब्रेकडाउन, कई बार अनार छिलते हैं दानों के पास ऐसे बुरी बुरी सडन सी आपको दिखती है तो वो इंटरनल नेक्रोसिस होती है। वातावरण की प्रतिकूल दशाओं के कारण होते ही टेम्परेचर ऊपर नीचे होने के कारण होता है। नेक्स्ट है अनार के मुख्य कीट, मेजर इंसेक्ट ऑफ पोमग्रेनेट, अनार की तितली, बटरफ्लाई ऑफ पोमग्रेनेट या पोमग्रेनेट बटरफ्लाई। इसका वैज्ञानिक नाम या जूलॉजिकल नेम है वेरिकोला आइसोक्रेटस। जो तितली होती है और फल मक्खी होती है, उसकी लार्वा अवस्था नुकसान पहुंचाती है और ये लार्वा अवस्था में गर्भ के रूप में होता है यानी लट के रूप में होता है। इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियन 50 cc 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। 1 ml प्रति लीटर पानी का मतलब होता है 0.1% का घोल। नेक्स्ट है छाल बक्सक कीट, इसका जूलॉजिकल या वैज्ञानिक नाम है इंडरबेला टेटेरमस। ये क्या करते हैं, जो तना होता है उसमें सुरंग बना लेते हैं, छोटी छोटी सुरंग होती है। तो इसके नियंत्रण के लिए अपने क्या करेंगे, जो इंजेक्शन होता है उसके अंदर केरोसिन भरेंगे और जो इसकी सुरंग है, बिल बोलते हैं उसको, उसके अंदर अपने भर देंगे और ऊपर कॉटन प्लग लगा देंगे, ये अंदर ही अंदर मर जाएगा। इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है अनार के मुख्य रोग, सर्कोस्पोरा फ्रूट स्पॉट, सर्कोस्पोरा फल धब्बा रोग और इसको पत्ती धब्बा रोग भी बोल देते हैं। ये सर्कोस्पोरा नामक कवक के कारण होता है। इसके नियंत्रण के लिए डायथन M45 या फिर कैप्टान का आपने छिड़काव किया जाता है। इस पे आप डायग्राम देख सकते हो किस तरह की स्पॉटिंग होती है फ्रूट पे। नेक्स्ट है फ्रूट रॉट, फल सड़न रोग, ये होता है एस्परजिलस फोइटिडिया कवक के कारण होता है। इसके नियंत्रण के लिए डायथन Z78 का छिड़काव किया जाता है या फिर डायथन M45 का छिड़काव किया जाता है। फल सड़न आप इस दूसरे डायग्राम में देख सकते हो जिसमें फ्रूट रॉट लिखा हुआ है। ये जो डिजीज दिए हुए हैं, रोग दिए हुए हैं, ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो आप घबराइए मत, सिर्फ बात सुनिए और उसको इतना ही आप नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए। नेक्स्ट लीफ स्पॉट या और ब्लाइट, पत्ती धब्बा या फिर पत्ती झुलसा रोग, ये कोलेस्ट्रिचम के कारण भी होता है और उसके अलावा सर्कोस्पोरा के कारण भी होता है, करवलेरिया के कारण भी होता है और सर्कोस्पोरा कवक के कारण भी होता है। इसमें पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं, बाद में ये धब्बे काले पड़ जाते हैं और इनमें छेद निकल जाते हैं। नियंत्रण के लिए टॉप्सिन का या सल्फेक्स का या डाइफोलेटोन का या डायथन M45 का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट है अल्टरनेरिया फ्रूट स्पॉट, अल्टरनेरिया फल धब्बा रोग, ये अल्टरनेरिया कवक के कारण होता है। इसके नियंत्रण के लिए डायथन M45 या फिर कैप्टान का छिड़काव किया जाता है। तो ये अनार की क्रॉप कंप्लीट होती है। आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।